वैसे अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए यहाँ पे खुद डिसाइड करना पड़ेगा, यस मैं इस काम के साथ अपने सपने पूरे करूंगी। हेलो, समझ आ रहा है? डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। जब डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे, तभी लाइफ के अंदर कुछ हो पाएगा। मैं आपको एक छोटे से स्टोरी के साथ वाइंड अप करूंगा। मगरमच्छ जानते हैं? मगरमच्छ जानते हैं ना? तो ये एक दो लोगों का स्टोरी है, ठीक है? दो पड़ोसी थे, एक का नाम चार्ल्स था और एक का नाम आयरनस था, ठीक है? एक का नाम क्या था? चार्ल्स, और एक का नाम आयरनस। ये दो लोग पड़ोसी थे, बहुत अच्छे जिगरी थे, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। ये दो इंसान एक दिन शिकार करने के लिए गए। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, शिकार करने के लिए गए। शिकार करने के लिए जब जंगल में गए, पूरे जंगल घूम लिए, कहीं पे कुछ मिला नहीं। समझ आ रहा है? कहीं पे कुछ नहीं मिला। ऐसे घूमते घूमते थक गए और थकने के बाद एक जगह पर बैठ गए दो लोग। कुछ मिला नहीं आज, और जहां पर बैठे थे उसके सामने एक तालाब था। क्या था? एक तालाब था। ये दोनों बैठ करके बात कर रहे थे कि आज तो हमें कुछ नहीं मिला यार, घर जाएंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे इन लोग सोच रहे थे। इतने में जो तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां ना कूदने लगे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि आज जैसे तैसे निकल गया, कल हम लोग अपने जाल लेकर आएंगे, इसी तालाब के अंदर जितने भी मछलियां हैं पकड़ के लेकर चले जाएंगे। ऐसे दोनों ने डिसाइड करके उस दिन निकल गया। जब इन लोग दोनों बात कर रहे थे, बात करते वक्त क्या कुछ मछलियां सुन लिए, ठीक है? कुछ मछलियां सुन लिए। अब वो सुनने के बाद फिर वो अंदर गए। अब उस मछलियों मछली जो मछलियां सुन लिए थे, अब उनका भी एक उनके यूनिटी में उनका एक राजा था और एक मंत्री था। अब ये राजा मंत्री कौन बनेंगे आप में से? और वो राजा एक रोशन मैडम थी और मंत्री आके मेरियन मैडम थी। चलेगा? इन दोनों कटा देंगे। और राजा से ज्यादा दिमाग किसका चलता है? मंत्री का मंत्री का चलता है ना। वैसे ही इन लोगों ने जा करके क्या हुआ, सारी मछलियों ने बताया कि राजा जी, ये दो इंसान आए थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल आकर के हम सभी को पकड़ लेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है? तो राजा ने जवाब दिया कि वो सब कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है? वो सब कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं इधर हूं, मैं देख लूंगा। किसने बोला? रोसलिन मैडम, ठीक है? किसने बोला? मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, तुम लोग क्यों टेंशन लेते, मैं राजा हूँ, यहाँ काम देख लेंगे ना। ऐसे फिर उस मछलियों ने सुना, राजा ने नहीं सुना। अपने सिस्टम में भी होता है ना, जब ग्रोलिन अपने कुछ बोलता है, अपलाइन माइंड नहीं करता है, बच्चा इसका क्यों सुनेगा, ऐसा होता है ना। वैसे ही था वहां पे भी, ये रियलिटी हर जगह का होता है। फिर उस मच्छी ने डिसाइड किया कि राजा को छोड़ो, हम मंत्री से बात करेंगे जाके, ठीक है? जब इन लोगों ने मंत्री से डिस्कस किया जाके, ऐसा ऐसा दो जन ने डिसीजन लिया है, कल आके हम भी इधर से मार के लेकर जाएंगे, तो क्या किया जाए? तो सही तरह से पता करते, वाकई में आप लोग सुने सच्चे सब कुछ पता करते मंत्री, अगर ये गलत हुआ तो राजा के सामने मेरे को सर झुकाना पड़ेगा, सच बताओ। तो उस मच्छियों ने बोलता है, हकीकत है, हम लोग खुद सुने हैं, अगर कल अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुद देख लेना। तो उस मंत्री ने क्या करता है, राजा से डिस्कस करता है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोग कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तो कल सुबह हम सब मारे जाएंगे। क्या बोला उन्होंने? कल सुबह हम सब मारे जाएंगे, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा अभी। तो उस राजा ने बोलता है, इस तालाब का राजा मैं हूं कि तुम है? रोशन मैडम ने क्या बोली? राजा हम है कि आप है? तो मंत्री चुप, राजा का चलता है हर जगह। तो उस मंत्री और कुछ मछलियों ने जो मंत्री और राजा ने डिसाइड किया, ठीक है, सारे मछलियों को बुलाया, एक सभा बनाया, शाम को ही डिसीजन डिसाइड करे उधर बैठ करके कि कल हम लोगों को मारने वाले हैं, इन कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोग हमको मार कर ले जाएंगे, तो मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूं, मैं निकल रहा हूं यहाँ से। मंत्री ने डिसीजन लिया। राजा ने बोला, नहीं मैं यहीं पे रहूंगा, कोई आने वाला नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या हो, अब ये जो राजा मंत्री है ना, दोनों मगरमच्छ है। क्या है? दोनों मगरमच्छ। तो कुछ लोगों ने मंत्री का साइड चले गए, कुछ लोगों ने राजा का साइड चले गए, ठीक है? कुछ लोगों को लगा नहीं, राजा ही सही है, राजा का साथ रहना चाहिए। कुछ
कुछ लोगों को लगा नहीं मंत्री का डिसीजन चाहिए, मंत्री के साथ रहना चाहिए, कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर। अब जो जो मंत्री की तरफ गया, मंत्री ने क्या किया, उस तालाब से नेक्स्ट तालाब अगला कहीं और चले गए, सारे मछलियों को लेके नेक्स्ट तालाब में जम, और राजा के साथ जो जो थे वो लोग वहीं पे थे। अब अगले दिन सुबह क्या हुआ, चार्लस एरनस दोनों आ गए क्या करने, शिकार करने, शिकार करने आ गए जाल पे के, और जितने भी लोग राजा के साथ थे सारे लोग पकड़ा गए, सारे लोग पकड़ा गए। और जब पकड़ाए में आ गए, जाल में फंस गए, तब सोच रहे काश डिसीजन लेता, मंत्री के साथ चले जाता, कम से कम जान तो बच जाता। तब डिसीजन लेके, तब डिसाइड करके क्या मिला, क्या मिला, हेलो कुछ मिला? इससे क्या समझ में आ रहा है, सही समय पे सही जगह पे सही इंसान, अगर जो भी आपको बुलाया है सही जगह पे अगर बिलीव नहीं करेंगे, आने वाले 5 साल के बाद एहसास करेंगे काश मैं उस दिन इसके साथ ज्वाइन कर लेता, काश मैं उस दिन ड्यूसॉफ के साथ चल जाता, कम से कम आज कम आज 1 लाख नहीं 2 लाख नहीं 50,000 तो आ जाता, ये सोचते। समझ आ रहे हैं? Yes. तो सभी आज डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? Yes. Are you excited? Yes. Full. तो डिसीजन लेने के लिए तैयार है ना? Yes. आगे बढ़ने के लिए तैयार है? Yes. तो आज के बाद कुछ भी करेंगे तो अपने आप से पहले पूछेंगे कि पड़ोसी से पूछेंगे, उससे डिसीजन लेंगे ना? यदि आप डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, आपके पास है अपॉर्चुनिटी, ठीक है पार्टनर्स? समझ आ रहा है ना? तो डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि थैंक यू, यदि आपको लगता है अरे ऐसे तो बहुत देखे हैं, बहुत आया है, बहुत ऐसा लगता है, कोई और जगह अगर करियर बनता है तो वहां पर जाके डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन लीजिए। Yes? Yes. तो आज आज के बाद आप सभी किसी के पास सुनेंगे नहीं, कि दिल का सुनेंगे? दिल का। जवाब आना चाहिए दिल का। क्या आप सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? Yes. लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हैं? Yes. कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं? Yes. सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? Yes. आवाज क्यों डाउन हो रहा है? Yes. अपने सपनों के साथ लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? Yes. हर चीज के लिए तैयार हैं? Yes. तो दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो हम भी आपके साथ तैयार, सब मिलके चलेंगे, ठीक है? यही बोलकर मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूंगा। लाइफ आपका है, जिंदगी आपका है, सपने आपके हैं, ठीक है? लाइफ आपको चलाना है, सब कुछ आपको करना है, तो डिसीजन भी आज आप ही को लेना पड़ेगा। रेडी? यस। थैंक यू वेरी मच। ये भी प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।